जीव का खून बेशकीमती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जीव के खून से COVID-19 वायरस की वैक्सीन बनाई जा सकती है। ये एक लौता ऐसा जीव है जिसके खून के लिए दवा कंपनियां काफी खर्च करती है, क्योंकि इस जीव के नीले खून से वैक्सीन, दवाएं और स्टेराइल लिक्विड्स बनाए जाते हैं। इस जीव का नाम है हाशिशु क्रैब। ये एक दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस जीव के एक लीटर नीले खून की कीमत 11 लाख रुपए है। जानकार बताते हैं कि हाशु केकड़ा दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है और वो पृथ्वी पर कम से कम 45 करोड़ साल से है। दवा कंपनियों का मानना है कि इस जीव के खून से बहुत सारी दवाओं को सुरक्षित बनाया जाता है। इसके खून में लिमुलस अमीबोसाइट लाइसिक नाम का तत्व पाया जाता है, जो शरीर में एंडोटॉक्सिन नाम का बुरा रासायनिक तत्व खोजता है। ये तत्व किसी भी संक्रमण के दौरान शरीर से निकलता है। अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले हाशु केकड़े बसंत ऋतु में मई जून के महीने तक दिखाई देते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि पूर्णिमा के वक्त हाई टाइड में ये समुद्र की सतह तक आ जाते हैं। अब बात इन केकड़ों की कीमत की जाए तो इनका एक लीटर नीला खून अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 लाख रुपए तक बिकता है। ये दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ भी कहा जाता है। बताया जाता है कि हाशु केकड़े के खून का इस्तेमाल साल 1970 से वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसके जरिए वैज्ञानिक मेडिकल उपकरणों और दवाओं को जीवाणु रहित होने की जांच करते हैं। इसमें आईवी और टीकाकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिकल उपकरण भी शामिल है। अटलांटिक स्टेट्स मरीन फिशरीज कमीशन के अनुसार हर साल 5 करोड़ अटलांटिक हाशु केकड़ों का इस्तेमाल मेडिकल कामों में होता है। हाशु केकड़े के नीले खून में तांबा मौजूद होता है, साथ ही खास रसायन होता है जो कि बैक्टीरिया या वायरस के आसपास जमा हो जाता है और उसकी पहचान करता है, साथ ही उसे निष्क्रिय करने में मदद भी करता है। हाशु केकड़ों का खून उनके दिल के पास छेद करके निकाला जाता है। एक केकड़े से 30% खून निकलता है और फिर उन्हें वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है। 10-30% केकड़े खून निकालने की प्रक्रिया के दौरान मर जाते हैं। इसके बाद बचे मादा केकड़ों को प्रजनन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जुलाई की शुरुआत में स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी लोंजा ने अपने COVID-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयारी कर रही है। अमेरिका में ट्रायल करने के लिए दवा कंपनियों को भारी मात्रा में लिमुलस अमोबोसाइट लाइसेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हाशिशु क्रैब से ही मिलेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और आप तक ऐसी और भी कई जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।